हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेज, ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड क्लास। कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा था। उसके अंदर टू पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस दूरी का पता करने के लिए एक फॉर्मूला देखा था। आज ये देखते हैं कि अगर दो पॉइंट है, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, कल हमने देखा था कि इनकी जो दूरी है बीच की, डिस्टेंस है, इसके बारे में पता किया था। आज हम पता करेंगे कि अगर इसके बीच में कोई पॉइंट हो, अगर उसका मिड पॉइंट के बारे में पता करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आज इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, मिड पॉइंट ऑफ लाइन। मिड पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन का मध्य बिंदु। लाइन कौन सी है हमारे पास? लाइन यही है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, हमारे पास ये है। और इसके बीच का कोई पॉइंट है, ये है हमारे पास एक्स और वाई। इसके जो पॉइंट होंगे एक्स और वाई, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वस टू, जो हमारे पास एक्स वन है, प्लस एक्स टू बाई टू, बाई टू कर देंगे। वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? वाई के निकालेंगे y1 वन प्लस वाई टू बाई टू। ये लाइन के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक, A के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, और B के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, और एक रेखाखंड बता रहा है, और उसके बीच के, इसका मिड पॉइंट P है, उस पर P के निर्देशांक निकालेंगे। हमने अभी फॉर्मूला देखा था, A और ये B, ये रेखाखंड हो गया AB, और इसका मिड पॉइंट P हो गया। इसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? इसके 1 एंड 6, और इसके 5 एंड माइनस 4। मिड पॉइंट पी है, तो पी का एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर टू हमें दिया हुआ है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ये हमें दिए हुए हैं, फॉर्मूला हमें पता है, तो 1 प्लस 5 बाई टू, ये आ गया 3। वाई के ऐसे ही, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, वाई वन की वैल्यू है 6 प्लस वाई टू की वैल्यू है माइनस 4 बाई टू, स्क्वायर टू 1। तो यहाँ से जो x और y की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई 3 एंड 1, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए कि निर्देशांक, और क्यों के हैं, और जो एक रेखाखंड है उसके मिड, p के और q के निर्देशांक हमें फाइंड आउट करने हैं, और जो उसका मिड पॉइंट z है उसके हमें निर्देशांक दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं, p और q दो रेखाखंड है हमारे पास, पॉइंट है p एंड q जो एक रेखा से जुड़े हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4 2 माइनस 4, और ये x एंड y, इसके मिड पॉइंट के हमें दिए हुए हैं 5 एंड माइनस 1, जो कि z से शो कर रखा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर दो पॉइंट है और उनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो उसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमें आपके पास मिड पॉइंट दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पॉइंट के, तो कैसे करेंगे? यहाँ से x फॉर्मूला है हमारे पास, x1 प्लस x2 बाई 2, लेकिन यहाँ तो x के हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ आगे 5, x1 की वैल्यू है 2 प्लस y, x2 की वैल्यू है x बाई 2, तो यहाँ से आ जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। सेम ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, y है y1 प्लस y2 बाई 2। अब y1 की वैल्यू हमें है माइनस 4 दी हुई है, y2 की वैल्यू y है बाई 2, और y1 की वैल्यू माइनस 1, जो y है, जो हमें कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट की, वो हमें 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएंगे माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू y, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यहाँ से इस, अब जो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं, वो आए हैं 8 एंड 2, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें जो दिया हुआ है वो वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या फाइंड आउट करना है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये ऐसे ही आ जाए कि क्योंकि हमें दिए हुए होते और पी के फाइंड आउट करने होते, तो यहाँ से हम एक्स वन निकाल लेते। अब हमें क्या एक्स टू निकालना पड़ रहा है, अगर ये नहीं दिए होते, मिड पॉइंट पूछा होता, तो हमें एक्स निकालना होता। अब देखते हैं, ये सब क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में अब तक हमने से पढ़ा था कि मिड पॉइंट किसका निकालना है, लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। अगर हमें ट्राइंगल दे दिया हो, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हमें एक ट्राइंगल दे दिया हो, उसका एक मिड पॉइंट है सी,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। अरे सेंटर पॉइंट ओ को शो कर देते हैं। अगर हमें इन तीनों के ए बी सी है, ये एक्स वन और ये वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हम सेंटर पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये देखना है। सेंटर पॉइंट ओ है, ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री। उसमें उसमें लाइन में क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। अगर अब ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री निकालेंगे। ये एक्स वाई स्क्वायर टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ये इसका फॉर्मूला है। बस हमें सेंटर ओ ट्रायंगल के ट्रायंगल ओ के सेंटर पॉइंट निकालने होंगे या फिर निर्देशांक निकालने होंगे, तो हमें आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास एक है, एक ट्रायंगल है जिसके बिंदु ए बी सी हमें तीनों हमें फाइंड आउट हैं। उसके बाद में उसने ये कहा कि उसके केंद्र के निर्देशांक फाइंड आउट करो। केंद्र का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री। ये केंद्र के निर्देशांक को फाइंड आउट करने का है। ये वाई इक्वल्स टू हो जाता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या है, माइनस वन प्लस फाइव प्लस एट बाई थ्री। यहाँ आ गए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई फोर। उसके बाद में y1, y2, y3 की वैल्यू देखेंगे, जीरो माइनस टू प्लस टू बाई थ्री। तो यहाँ से y की वैल्यू जीरो। तो x और y की जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं सेंटर के, वो आए हैं फोर एंड जीरो। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, तो उसके बाद में उसने पूछा है शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। इसने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है। अब उसमें क्या बता रखा है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें हमें तीनों को बता रखा है, माइनस वन एंड थ्री, माइनस थ्री माइनस टू एंड फाइव एंड माइनस वन। फाइव एंड माइनस वन ये इसके तीनों के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। उसके बाद में पूछा है ए से खींची गई माध्यिका, ए से खींची गई माध्यिका मतलब ये जो ए से जो हमें सीधा जो परपेंडिकुलर लंब जो लंब डालते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं वो बी सी की क्या हो जाती है, मिड पॉइंट हो जाता है और ए की माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका पी मान लेते हैं। तो उसकी पूछी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई जानने से पहले हम इसके क्या पता करना होगा, उसके हमें कोऑर्डिनेट पता करना होगा। कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करना होगा, मिड पॉइंट किसका, बी सी का, कौन है, पी है। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी माइनस थ्री प्लस फाइव बाई टू। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई वन। y के कैसे निकलेंगे, y के हैं, y है माइनस टू माइनस वन बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू। तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए वन एंड माइनस थ्री बाई। यहां से आने के बाद में अब इसने पूछा है कि माध्यिका की लंबाई क्या होगी। ये जो है ये हमारी लंबाई ही होती है, तो माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी, माध्यिका की लंबाई हो जाएगी थ्री बाई टू। माध्यिका की लंबाई थ्री बाई टू आ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। अब हमें इतना पता है समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इसको हमने सेंटर पॉइंट से ही बना लिया है। सेंटर पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट होंगे जीरो जीरो, ये ए, ये जीरो, ये बी। अब हमें पता है कि ये एक्सिस है, इनकी तीनों भुजाएं टू ए, टू ए और टू ए हैं, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं पता है। एक्सिस पे होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे टू ए इंटू जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सिस होती है, एक्सिस पे वाई इक्वल्स टू जीरो होता है और ये जो वाई एक्सिस है हमारे पास इस पे एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है। तो यहाँ पे वाई जीरो होने की वजह से हमारे पास एक्सिस की वैल्यू तो पता चल गई टू ए और वाई की जीरो है।
लेकिन यहाँ पे हम y और x की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से भी कुछ पॉइंट यहाँ से जाएगा और इसके कुछ कोऑर्डिनेट अलग होंगे। उसके लिए हम पहले यहाँ से देखते हैं p। सीधी सी बात है, यहाँ से एक्सिस की ये y एक्सिस हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें y एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी वजह से इसके पहले ये जो a की जो परपेंडिकुलर डालेगा OB पे, हम पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है? मिड पॉइंट ऑफ OB क्या है? P। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 0 बाय 2 इक्वल्स टू a। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी ए की a और 0। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 बाय 2 इक्वल्स टू 0। इसीलिए a की p के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं a और 0। इसका मतलब यहाँ से जो x और y की जो वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई a। यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जिससे हम उसका कर्ण विकर्ण और ये जो लंब है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी। वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से देखेंगे ओ ए स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ओ ए का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हमें ओ ए ओ की वैल्यू पता है क्या है? 2a है। यहाँ से O और P की वैल्यू हमें पता है, मिड पॉइंट A निकाला तो ये भी A है और ये भी A है, तो ये A A वैल्यू यहाँ से पता चल गई। और ए पी की वैल्यू क्या है? हमें ए पी की वैल्यू नहीं पता, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यही वैल्यू हमारी वाई की वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो वाई एक्सिस है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर मान लेंगे इसको। उसके बाद में अब यहाँ से वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर टू क्या आ जाएगा? थ्री रूट थ्री ए। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? रूट थ्री ए। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई रूट थ्री ए। ये हमारे x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर वो अब ये पूछ ले कि इसके सेंटर पॉइंट ये है इसका त्रिभुज का, ट्रायंगल का, ये त्रिभुज का अगर सेंटर पॉइंट पूछ ले जो c से शो करते हैं हम, उसके c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब हमें a o और b तीनों के शीर्षों के निर्देशांक पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो अब इसके सेंटर पॉइंट भी निकाल सकते हैं। सेंटर पॉइंट क्या होगा? ये x की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस यहाँ x2 0, x3 की वैल्यू है 2a प्लस 2a बाय 3, तो ये आ जाएगी 3a बाई 3 इक्वल्स टू a। ये आ गई x, ये cx की। cy की वैल्यू क्या होगी? cy की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 3a प्लस 0 प्लस 0 और वैल्यू 3। तो यहाँ से हमारे पास cy की वैल्यू आ जाएगी a बाय रूट 3। तो जो सेंटर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? वो हो जाएंगे a और a बाई रूट थ्री, ये आ जाएंगे अगर ऐसा पूछा हो तो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सब कुछ पूछ लिया, हमने इसमें मिड पॉइंट भी निकाला, सेंटर पॉइंट भी निकाला और इसके कोऑर्डिनेट भी निकाले। इस क्वेश्चन में ऑल टाइप्स की सारी टाइप की क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं।